स्टूडेंट्स, आज यूनिट 5 के अंदर अपन पढ़ेंगे कार्बोऑक्सैलिक एसिड एंड एलिफेटिक अमाइंस के अंदर स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ सम कॉमन कंपाउंड्स। इसमें से फर्स्ट कंपाउंड हमारा है एसिटिक एसिड। ठीक है, बहुत ही कॉमन नेम है बच्चों, एसिटिक एसिड। और इसमें आप साथ साथ में नोट्स में लिखते जाइए, एसिटिक एसिड के अंदर स्ट्रक्चर अगर अपन देखें एसिटिक एसिड का, तो CH3COOH, जिसमें से ये H रिलीज करके एसिडिक नेचर शो करता है किसी पोलर सॉल्वेंट लाइक H2O के अंदर। और एसिड जो वर्ड आया, ये कॉमन टू कार्बन को बोलते हैं, एक एसिड इसका सफिक्स है, तो इसको अपन एसिटिक एसिड बोलेंगे। इसमें जो बेसिक यूजेस है बच्चों एसिटिक एसिड्स के अंदर, वो आपके यूजेस जो होंगे उसमें पहला है मेन कंस्टिट्यूएंट एज ए विनेगर। इसमें विनेगर के अंदर कुकिंग के अंदर, क्लीनिंग के अंदर और लॉन्ड्री के अंदर भी इसको यूज करते हैं, तो इसका ये मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, ये इसका पहला यूज है। नंबर टू यूज पे अगर बात करें, यूज्ड इन ईयर ड्रॉप के अंदर भी इसका यूज है। कोई ईयर कैविटीज के अंदर, जैसे कैनाल के अंदर आपका कोई इन्फेक्शन हो जाता, तो ईयर ट्रीटमेंट इन्फेक्शन इन ईयर कैनाल्स के अंदर इसका यूज करते हैं, ये सेकेंड यूज है। नेक्स्ट यूज जो है आपके पास में, यूज टू एडजस्ट पीएच, जेल वगैरह जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके अंदर पीएच के एडजस्टमेंट के लिए भी आपका जो है एसिटिक एसिड का यूज किया जाता है एज ए वीक एसिड। और सर्वाइकल कैंसर्स में जो डिटेक्शन होता है उसके अंदर भी ये एज ए रिएजेंट जो है वो यूज किया जाता है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट यूज देखिए बच्चों, यू सिंथेसिस में भी इसका बहुत बड़ा रोल है एसिटिक एसिड का। जैसे यूज टू सिंथेसाइज विनाइल एसिटेट मोनोमर, विनाइल एसिटेट मोनोमर जिससे फिर पॉलीमर बनते हैं, जैसे पेंट्स, एडेसिव्स, इनमें भी मोनोमर जो विनाइल एसिटेट बनेगा वो एसिटिक एसिड से बनेगा, फिर ये मोनोमर का जो पॉलीमराइजेशन होता है तो उसके अंदर आपके ये पेंट्स और एडेसिव्स वगैरह बनाने में यूज होता है इनडायरेक्टली। और नेक्स्ट है यूज टू सिंथेसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। स्टूडेंट, जब एसिड डेरिवेटिव की बात, जो अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि जब भी हम एसिड डेरिवेटिव की बात करते हैं तो एक तो आपका एसिड एनहाइड्राइड है ना, एसिड एनहाइड्राइड हो जाएगा, सेकंड आपका हो जाएगा ईस्टर फॉर्मेशन भी हो सकता है, कॉक्स, एसिड हैलाइड और अमाइड, ये एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं जो एसिटिक एसिड से एज ए फर्स्ट मेंबर सिंथेसाइज किए जाते हैं। फिर है नेक्स्ट यूज, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेक्राइड्स के अंदर, उसकी क्वालिटी को मॉडिफाई करने के लिए इसको एसिटिक एसिड्स के साथ में वापस मॉडिफाई किया, तो सेल्यूलोज एसिटेट प्रोड्यूस किया जाता है जो फर्दर इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है। और जो रबर है उसमें एज ए कोएगुलेंट, क्योंकि जो नेचुरल रबर जो ऑब्टेन्ड होता है प्लांट वगैरह से उसमें 70-80% वाटर होता है, तो उसमें से जो आइसोप्रिन लेटेक्स जो होता है उसको कोगुलेट करके अलग करते हैं, तो कोगुलेशन में एसिटिक एसिड जो होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसीलिए इट इज यूज एज ए कोएगुलेंट इन प्रोडक्शन ऑफ रबर। नेक्स्ट MFG का मतलब होगा मैन्युफैक्चरिंग डाई स्ट्रॉप्स इससे बनते हैं, परफ्यूम्स में भी इसका यूज होता है, एज ए सॉल्वेंट लेबोरेटरी के अंदर आप इसको कई जगह यूज करते हैं, चाहे आप नाइट्रोजन सल्फर ये सल्फर की जो टेस्टिंग होती है उसमें यूज करते हैं, नॉन एक्वस टाइट्रेशन में, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर नॉन एक्वस टाइट्रेशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है एज ए सॉल्वेंट रिएजेंट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयन फाइबर्स भी इससे बनाए जा सकते हैं। और एज ए एनालिटिकल रिएजेंट्स की अगर अपन बात करें तो एसिटिक एसिड स्पेशली नॉन एक्वस टाइट्रेशन के अंदर तो यूज होता ही होता है, ठीक है, और इससे काफी सारी टाइट्रेशन आपकी परफॉर्म होती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, ये एक एसिटिक एसिड के स्ट्रक्चर यूजेस, इंपॉर्टेंट रोल इन यूज। नेक्स्ट कंपाउंड स्ट्रक्चर एंड यूजेस में है लैक्टिक एसिड। नोट्स में लिखते जाइए, लैक्टिक एसिड में स्ट्रक्चर इसका जो होगा उसमें एक सेंटर कार्बन प्लेस कर दो, HOH, COH और CH3। ये जो कार्बन, ये काइरल होता है क्योंकि इसमें चारों डिफरेंट है आपके, ठीक है, और sp3 हाइब्रिडाइज रहेगा कार्बन, ये वाला sp2 रहेगा, इसमें डबल बॉन्ड हो आता है और ये आपका काइरलिटी, इसीलिए इसको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स है, लाइट का रोटेशन शो करेगा, इसीलिए इसके डीएल आइसोमर भी पॉसिबल है, डीएल आइसोमर्स भी बनेंगे। तो ये तो हुआ स्ट्रक्चर वाइज प्रॉपर्टीज। यूजेस देखिए, यूजेस लिखते जाइए, सबसे पहले इन टॉपिकल फार्मास्यूटिकल, जितनी भी टॉपिकल प्रिपरेशन होती है और कॉस्मेटिक प्रिपरेशन, जहां पे भी पीएच एडजस्टमेंट करना होता है तो वहां पे लैक्टिक एसिड को यूज किया जाता है। नेक्स्ट, यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट एंड क्रेटोलाइटिक प्रॉपर्टी होने की वजह से इसको डिसइंफेक्टेंट और एज ए क्रेटोलाइटिक एजेंट भी इसको यूज किया जाता है।
टू प्रोड्यूस H2O सोल्यूबल लिक्विड। बहुत सारी ऐसी मेडिसिंस होती है जो वाटर सोल्यूबल नहीं होती है, तो उसको सॉल्ट की फॉर्म में, जो बेसिक ड्रग्स होती है उसको एसिड के साथ में सॉल्ट बनाते हैं, तो सोल्यूबल लैक्टेट बनाए जाते हैं ताकि उस ड्रग को वाटर या किसी भी कंपाउंड को वाटर सोल्यूबल बना सके, इसीलिए उसको एज ए लैक्टेट प्रोड्यूस सोल्युबिलिटी सॉल्ट प्रोड्यूस करने के लिए लैक्टिक एसिड को यूज करते हैं। लैक्टिक एसिड एज ए रिएजेंट या इंग्रेडिएंट होता है सोर मिल्क प्रोडक्ट, जितने भी सोर मिल्क प्रोडक्ट आते हैं उसमें लैक्टिक एसिड भी एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट की तरह पेश किया जाता है। ये आल्सो नेक्स्ट यूसेज में आल्सो प्रेजेंट इन सोर बियर में भी एज ए इंग्रेडिएंट इसको यूज किया जाता है। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट यूज है वो है एज ए फूड एडिटिव, फूड एडिटिव करते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव होते हैं, ठीक है, क्योरिंग एजेंट्स की तरह भी इसको यूज किया जाता है, फ्लेवरिंग एजेंट्स की तरह भी इसको यूज करते हैं। तो मेनली कौन कौन से हो गए वापस देख लीजिए, फूड एडिटिव्स, फूड प्रिजर्वेटिव्स, क्योरिंग एजेंट्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स होगा। उसके बाद में एज ए डिस्केलर, ठीक है, जो डिटर्जेंट की फॉर्म में यूज होता है, और सोप स्कम रिमूवर की फॉर्म में भी इसको यूज किया जाता है। दो हो गए, डिस्केलर एंड सोप स्कम रिमूवर्स। एंड इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है, इसीलिए यूज्ड एज एंटी बैक्टीरियल एजेंट जिन ड्रग के साथ में। और ये मॉस्किटो अट्रैक्टेंट भी होता है, मॉस्किटो इसमें कुछ कॉम्बिनेशन बनाते हैं सो अमोनियम एसीटेट के साथ में, तो ये मॉस्किटो अट्रैक्टेंट भी होता है, बहुत अच्छा। तो इस तरह मॉस्किटो जो प्रोडक्ट आते हैं अट्रैक्ट के लिए, उसको दूर करने के, तो उसमें भी इसको यूज किया जाता है। स्किन केयर में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्टूडेंट्स, जैसे फेशियल डर्मेटोसिस यानी कि डर्मेटाइटिस जो डिजीज है उसको भी ठीक करने में, या स्किन केयर के लिए एज एक्सटर्नल प्रिपरेशन जो बनती है उसमें भी लैक्टिक एसिड जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट कार्बो ऑक्सैलिक एसिड का प्रोडक्ट है टार्ट्रिक एसिड। यस, नोट्स में लिखते जाइए टार्ट्रिक एसिड। स्ट्रक्चर्स की बात करें तो बहुत सिंपल है, टार्ट से वर्ड याद है टेट्रा, टेट्रा का मतलब आपको फोर कार्बन प्लेस करने पहले, और इसमें हेड और टेल यानी कि हेड और टेल पे एसिड लगाने, और दोनों हैंड्स में OH ग्रुप और दो के हाई तो एच एच हो जाएगा। और इसमें ये जो दो सेंटर कार्बन आपको दिख रहे हैं ये काइरल कार्बन होते हैं, बट इसमें ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें जैसे ही आप इस स्ट्रक्चर को डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो इसकी रियल हाफ इमेज जो होगी वो अनदर रियल हाफ इमेज पे सुपर इम्पोज, इसको इसके ऊपर फोल्ड करेंगे तो ये उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगी, इसीलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। इसको अपन इंटरनल कंपनसेशन बोलते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर का ओरिएंटेशन है वो इसी तरह से दिया गया है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। सो टार्ट्रिक एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। हाँ, लेबोरेटरी में फिर लाकर के अपन इसको म्यूटेशन करा सकते हैं, तो इसमें अगर ये ओरिएंटेशन रोटेट हो जाता है तो सिंथेटिक टार्ट्रिक एसिड फॉर्म इसकी ऑप्टिकली एक्टिव हो सकती है, नेचुरली जो ऑब्टेंड होता हो। दूसरा, टार्ट्रिक एसिड जो है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और ये आपको मोस्टली प्लांट फ्रूट इन सब में मिल जाएगा, तो ये एज ए इंग्रेडिएंट रहता ही रहता है नेचुरली भी, और यूज्ड एज ए फूड एडिटिव्स में इसका बहुत अच्छा यूज है। और किसी टेस्ट को शार्प तीखा करना हो, टार्ट फ्लेवर लाना हो टार्ट, तो उसके अंदर भी इसको एज ए इंग्रेडिएंट यूज किया जाता है, और यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन में इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन कार्बोनेट बेवरेज जितने भी होते हैं ना उसके अंदर, और फ्रूट जेलीज जो होती है उसके अंदर, क्रीम के अंदर भी इसको एज ए इंग्रेडिएंट यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल एड की फॉर्म में। और इंडस्ट्रियली अगर बात करें स्टूडेंट्स यानी कि अदर देन दिस फार्मास्यूटिकली, तो उसमें गोल्ड सिल्वर का जो प्रोसेस में प्लेटिंग प्रोसेस होगा वो इसी तरह प्लेटिंग प्रोसेस से होगा, क्लींसिंग पॉलिशिंग ऑफ मेटल्स जो की जाती है उसमें भी टार्ट्रिक एसिड को यूज करते हैं, टैनिंग ऑफ लेदर जो होता है इसमें भी आप टार्ट्रिक एसिड को यूज कर सकते हैं, और ये आपकी डीम फैब्रिक्स जो होती है उसमें भी एज ए इंग्रेडिएंट जो है वो टार्ट्रिक एसिड डीम फैब्रिक में भी इसको यूज करते हैं। और ये आप देखेंगे जितने भी अपने रॉसे सॉल्ट्स होते हैं ना, रॉसे सॉल्ट्स के अंदर हुआ, और भी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इसकी जो सॉल्ट फॉर्म होती है वो आपको फेलिंग टेस्ट में भी मिल जाएगी, जो एज ए एनालिटिकल लेबोरेटरी रिएजेंट्स में करते हैं, रॉसे सॉल्ट में भी आपका टार्ट्रिक एसिड एज ए इंग्रेडिएंट वर्क करता है। और जो टाइट्रेशन होती है जिसमें कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में कैल्शियम और मैग्नीशियम के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस में चिलेट आयंस की तरह काम करता है आपका टार्ट्रिक एसिड, और ये आपका फॉर्मेशन जो इससे टाइट्रेशन होगी तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस हो जाएगा, तो उससे अपन जो हैवी मेटल्स होती है कैल्शियम मैग्नीशियम इसका टाइट्रामेट्रिक एनालिसिस कर सकते हैं, तो एज ए चिलेट फॉर्मेशंस में इसको यूज किया जाता है टार्ट्रिक एसिड को। नेक्स्ट यूज होता है फोर क्लींसिंग मेटल सर्फ, मेटल सर्फेस पे जो भी वो डस्टिंग आ गई या ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म प्रेजेंट है तो उसको क्लीन करके वापस सर्फेस को
साइनिंग कराई जा सकती है। तो क्लींसिंग मेटल सरफेस के लिए भी टार्ट्रिक एसिड को यूज किया जाता है। और इससे भी इंपॉर्टेंट जो यूज है बच्चों, एज ए एंटीऑक्सीडेंट, बहुत सारे सब्सटेंस जो फूड एंटीऑक्सीडेंट प्रिवेंट ऑक्सीडेशन के लिए एज ए मेडिसिन के अंदर इसको एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज करते हैं। और हमारी स्किन वगैरह में अगर एक्सट्रा भी यूज करेंगे तो ये प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑक्सीडेशन रखता है। और डाइजेस्टिव एड में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, डाइजेस्टिव एड में भी इसको यूज करते हैं। इंप्रूव इंटेस्टाइनल, क्योंकि इसकी वजह से आपका जो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन रेट है वो बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाएगी, तो लेवल ऑफ डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहेगा, इसीलिए इसको डाइजेस्टिव एड की फॉर्म में यूज किया जाता है। और टार्ट्रिक एसिड को जैसे मैंने अभी कहा था फेलिंग रिएजेंट्स में, तो लेबोरेटरी रिएजेंट्स में डायग्नोसिस कोई करना हो तो उसके अंदर भी जो है टार्ट्रिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये बच्चों मेन यूज है टार्ट्रिक एसिड्स की। यस, वीडियो पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट और नोट्स में भी लिख दीजिए। ओके, यस, नेक्स्ट है सिट्रिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव। सिट्रिक एसिड में स्ट्रक्चर देखेंगे सिट्रिक एसिड का, सबसे पहले 3 कार्बन ड्रॉ करिए स्टूडेंट सेंटर के अंदर, ठीक है, सेंटर में 3 कार्बन ड्रॉ करिए और 3 कार्बन के बाद में 3COH प्लेस कर दीजिए और सेंटर कार्बन पे एक एक्स्ट्रा OH लगाना, बस बहुत इजी ट्रिक है, इसके स्ट्रक्चर्स के अंदर बहुत इजीली याद रख सकते हैं। जैसे टेट्रा में 4 कार्बन होते हैं, सिट्रिक में 3 कार्बन होते हैं, 3COH एंड सेंटर कार्बन कंटेन्ड OH, ठीक है। तो ये OH आपके पास में आ गया बच्चों, ये सेंटर कार्बन काइरल नहीं होगा ध्यान रखना, क्योंकि इसके अंदर दोनों तरह के भी सिमेट्री आ गई, इसीलिए ये आपका काइरल नहीं होगा, नॉन काइरल है ये। देखिए इसके भी आपके ऑप्टिकली एक्टिव जो है डीएल आइसोमर्स नहीं बनेंगे। यूजेस में आइए, यूजेस में लिखिए एक्सीलेंट चिलेटिंग एजेंट, जैसे आपका टार्ट्रिक एसिड वैसे ये भी एक चिलेटिंग एजेंट है, जो जितनी भी कॉम्प्लेक्सोमेटिक टाइट्रेशन होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर उसमें भी इसको यूज किया जाता है, स्पेशली हार्ड वाटर टाइट्रेशन, कैल्सियम मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्सेशन इससे किया जा सकता है। एज ए क्लींसिंग एजेंट में भी इसको यूज करते हैं, ठीक है। और जो किसी आयरन रॉड पे रस्ट वगैरह होती तो रस्ट फ्रॉम स्टील से रस्ट को रिमूव करने के लिए भी आप सिट्रिक एसिड का यूज कर सकते हैं। सैंपो में भी ये बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट, स्पेशली वैक्सीन को जब वॉश करना होता है तो वैक्सीन फ्री करने के लिए शैंपो को उसमें सिट्रिक एसिड को एज ए रिमूवर यूज किया जाता है। और एज ए फ्लेवरिंग एजेंट भी है, प्रिजर्वेटिव एजेंट्स की तरह भी काम, प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम करेगा। इन फूड बेवरेज एंड सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर इसको फ्लेवरिंग या प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया जाता है। नेक्स्ट यूज, इसकी बफरिंग टेंडेंसी भी होती है, इसीलिए बफर का मतलब वही है कि जहां पे पीएच अपन को मेंटेन करनी हो तो इसमें सिट्रिक एसिड में आपकी बफरिंग प्रॉपर्टी भी होती है और इसको पीएच मेंटेन करने के लिए कंट्रोल करने, फार्मास्यूटिकली जितनी भी प्रिपरेशन होती है तो जहां पे आपको पीएच कंट्रोल करनी होती है वहां पे एज ए बफरिंग प्रॉपर्टी में सिट्रिक एसिड को एज ए बफर यूज किया जाता है। इन आइसक्रीम एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह आइसक्रीम में भी जो है सिट्रिक एसिड को यूज करते हैं। यूज इन सोडियम कार्बोनेट इन इफरवेशन पावर, इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ में इफरवेशन पावर पाउडर जो होता है उसके साथ में एज ए इंग्रेडिएंट जो है वो आपका जो सिट्रिक टेस्ट जो उसमें आता है तो वो आप इफरवेशन पाउडर के साथ में भी इसको एज ए इंग्रेडिएंट यूज करते हैं। फूड एड्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सिट्रिक एसिड का, स्पेशली जितने भी मार्केट में डाइटरी सप्लीमेंट्स आते हैं उसके अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है यूज्ड एज एन एसिड्यूएलेंट, यानी कि जहां पे एसिडिक प्रॉपर्टी हल्की सर दो, एसिड्यूएलेंट इन क्रीम जेल्स एंड लिक्विड्स के अंदर भी आपको सिट्रिक एसिड यूज करते हैं। इंग्रेडिएंट इन प्रोडक्शन और एंटीवायरल टिश्यूज, जहां पे प्रोडक्शन करना हो स्टडी के अंदर तो उसमें भी सिट्रिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री आप जानते हैं सिट्रिक एसिड जो है वो बहुत सारे ऐसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के जो रिएजेंट्स होते हैं उस रिएजेंट में एज ए सोडियम सिट्रेट पोटेशियम सिट्रेट उसमें इसको यूज करते हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में ये एनालिटिकल रिएजेंट्स की तरह टाइट्रामेट्रिक एनालिसिस के अंदर बहुत जगह सिट्रिक एसिड को यूज करते हैं। नेक्स्ट है यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ मेटाबोलिक एसिडोसिस, जो ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर भी आपका सिट्रिक एसिड यूज होता है। और लास्टली ब्लड एसिड रेगुलेटर में भी सिट्रिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यूज नोट कर लीजिए और लिखिए। यस, तो नेक्स्ट कंपाउंड है सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड का स्ट्रक्चर देखिए बहुत सिंपल सा, आप ऑक्सैलिक एसिड याद रख लो, देखो 3 मेंबर एक साथ याद कर सकते हैं आप ऑक्सैलिक एसिड में COH, फिर आप एक CH2 मिथाइलिन ग्रुप प्लेस करेंगे तो मैलिक एसिड हो जाएगा, और जैसे ही 2 CH2 प्लेस करेंगे तो वो सक्सिनिक, सबसे बड़ा भाई सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड का IUPAC, ये तो कॉमन नेम है, तो इसका IUPAC जब लिखेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन आ जाएगी, तो इसको आप क्या लिख देंगे, ब्यूट एन हो जाएगा 1.4 डाई ओइक एसिड, ठीक है।
तो ये इसका IUPAC हो जाएगा। आप चाहे तो इसमें लिख सकते हैं ब्यूटेन 1.4 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड, ये इसका IUPAC हो गया। नाउ कम्स टू यूजेस। यूजेस में सबसे पहले सक्सिनिक एसिड एक बहुत ही फेमस कंपाउंड है जो यूज्ड इन फूड एडिटिव्स, जितने भी फूड एडिटिव्स हैं, फूड एडिटिव्स, डाइटरी सप्लीमेंट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट यूज्ड एज एन एसिडिटी रेगुलेटर, जहां पे भी आपको पीएच में एसिडिटी मेंटेन करनी हो फूड वगैरह में, तो वहां पे आपका एज ए इंग्रेडिएंट सक्सिनिक एसिड यूज किया जाता है। एज ए फ्लेवरिंग एजेंट, एज ए एस्ट्रिंजेंट, जहां प्रोटीन प्रेसिपिटेट कराना हो तो उसको एस्ट्रिंजेंट बोलते हैं, तो एज ए फ्लेवरिंग एजेंट, एज ए एस्ट्रिंजेंट इसको यूज करते हैं। एज ए एक्सीपिएंट इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसको एज ए एक्सीपिएंट कुछ क्वांटिटी के अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट यूज्ड इन अपसेंथेसिस, सेंथेसिस ऑफ पॉलीमर एंड रेजिन, जितने भी आपके पॉलीमर और रेजिन्स होते हैं उसमें भी सक्सिनिक एसिड कार्बन चेन को इंक्रीज करने में भी इसको यूज करते हैं, और सेंथेसिस ऑफ 1.4 ब्यूटेन डायऑल सिंथेसाइज में भी इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर को सिंथेसाइज करने के लिए भी आपका सक्सिनिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो बायोलॉजिकली डिग्रेड होते हो, नेचुरल जो फॉर्म में हो, तो उसको बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स बोलेंगे। यूज्ड टू सिंथेसाइज, नेक्स्ट है यूज्ड टू सिंथेसाइज कैल्शियम सक्सिनेट। फार्मास्यूटिकली जो कैल्शियम सक्सिनेट है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है जो इसके सॉल्ट से बनेगा। इसमें अपन H+ रिमूव करेंगे और रिएक्शन के थ्रू इसका कैल्शियम सॉल्ट बना देते हैं। इस H को हटा करके अगर अपन कैल्शियम सॉल्ट बना देते हैं तो उसको कैल्शियम सक्सिनेट, ये ऐसे करके दोनों एरो ले लीजिए और C+2+, तो ये जो सॉल्ट फॉर्मेशन होगा उसको अपन बोलेंगे कैल्शियम सक्सिनेट। अब कैल्शियम सक्सिनेट इनडायरेक्टली कैसे एक्ट करता है, एक्ट एज डिओड्रेंट, डिओड्रेंट की तरह वर्क करेगा। एंटी कार्सिनोजेनिक एजेंट, यानी कि जो पॉइजनस सब्सटेंस अगेंस्ट ऑफ पॉइजनस होते हैं तो उसमें उसमें ये उसको प्रिवेंट करता है, तो उसको कार्सिनोजेनिक मीन्स हार्मफुल जो सब्सटेंस होते हैं उसको, स्पेशली जो कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस होते हैं उसके अगेंस्ट में ये वर्क करता है, तो एंटी कार्सिनोजेनिक एजेंट्स बोलेंगे इसको। उसके बाद यूज टू सिंथेसाइज, इसका जो मेन रोल है विटामिन ए सिंथेसिस में भी होता है, और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग या इसके कोई भी डेरिवेटिव जो होते हैं, ठीक है, मिथाइल ड्रायोल, एरिथ्रा डायोल्स में, तो इस तरह से इसमें भी ये डेरिवेटिव सिंथेसिस में भी यूज होता है, विटामिन ए एंड एंटी इंफ्लेमेटरी डेरिवेटिव्स। फिर है यूज इन मेडिशन ऑफ सिडेटिव, सिडेटिव का मतलब लाइट स्लिप, जैसे सिडेटिव और हिप्नोटिक, हिप्नोटिक का मतलब मोर स्लिप और सिडेटिव मतलब लाइट स्लिप या रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करने के लिए ब्रेन में, ठीक है, एंटीप्लाज्म और एंटी स्पास्मर, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए भी इसको यूज करते हैं एंटी स्पास्मर। और एग्रीकल्चर वाइज बात करें तो सीड जो होते हैं प्लांट्स के, उसके ट्रीटमेंट मीन्स उसकी ग्रोथ को बढ़ाना, उसको स्टिमुलेट करना है, ठीक है। सॉइल में भी ये बहुत, सॉइल को एक जगह आपको चिलेट फॉर्म में रखना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ताकि स्प्रेड ना हो, तो एज ए सॉइल चिलेटिंग प्रॉपर्टी भी इसके पास में होती है, सॉइल चिलेटिंग। तो ये दो आपके एग्रीकल्चर यूजेस हो गए। फिर है यूज्ड एज एडिसिव्स में यूज होता है, कोरोजन्स में यूज होता है, इनहिबिटर्स की तरह वर्क करता है, डाई सिंथेसिस में यूज होता है, परफ्यूम सिंथेसिस में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, परफ्यूम में भी डाइस और सब में इंग्रेडिएंट की तरह वर्क करेगा। फोटोग्राफी केमिकल में भी ये प्रेजेंट होता है, जो भी फोटोग्राफी केमिकल्स यूज होते हैं, प्लास्टिसाइजर्स जो पॉलीमर्स होते हैं उनके अंदर भी इसको यूज किया जाता है। और फिर यूज्ड इन सर्फेक्टेंट, जितने भी सर्फेक्टेंट की तरह होते हैं उनमें भी, डिटर्जेंट में भी इसको यूज करते हैं। टूथपेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इसका भी इंग्रेडिएंट्स होता है, और डिनेचर क्लीनिंग के अंदर भी इसका यूज करते हैं, तो क्लीनिंग प्रोसेस में भी ये यूज होता है। तो बच्चों ये सारे है सक्सिनिक एसिड के यूजेस। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंपाउंड है ऑक्सैलिक एसिड, नोट कर लीजिए। ऑक्सैलिक एसिड स्ट्रक्चर CO, जैसे मैंने कहा था सबसे स्मॉलेस्ट है COH, पहले ही बताया था पहले वाले में सेक्शन में CH2 मेलोनिक हो जाएगा और दो CH2 होंगे तो सक्सैनिक हो जाएगा। सबसे छोटा भाई है वो ऑक्सैलिक एसिड है, इसका IUPAC लिखेंगे तो 1.2 हो जाएगा, तो ethane 1.2
डाइऑल इसकी IUPAC हो जाएगी, ठीक है। ये एनहाइड्रस फॉर्म है और लेबोरेटरी में जो यूज होता है वो मोस्टली डाइहाइड्रेट फॉर्म होती है, इसीलिए उस ऑक्सैलिक एसिड को डाइहाइड्रेटेड फॉर्म बोलते हैं, COH1.2H। इसीलिए इसका टोटल जो आपका मॉलिक्यूलर वेट आता है वो 126 आता है, जिसमें 36 वाटर का भी होता है इस 90 COH के साथ में। तो ये कुछ खास बातें ऑक्सैलिक एसिड का यूज रखना है। फिर आइए यूजेस डिस्कस करते हैं, लिखते जाइए साथ साथ में। यूज्ड है, यूजेस में यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट की तरह इसको यूज करते हैं, कहीं पे अगर ऐसा कोई पार्टिकल जो नहीं हटते तो क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं। ब्लीचिंग एजेंट्स की तरह भी काम आता है, यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट्स, वही अगेंस्ट क्लीनर की तरह ही होगा। यूज टू फॉर्म वाटर सोल्युबल सॉल्ट, आयरन के बहुत सारे ऐसे स्टेबल सॉल्ट नहीं बन पाते, तो उसका आयरन के Fe3+ के साथ में जो स्टेबल सॉल्ट है वो ऑक्सिलेट के बहुत अच्छे आयरन ऑक्सिलेट सॉल्ट बनते हैं, तो फॉर्म वाटर सोल्युबल स्टेबल सॉल्ट ऑफ Fe+3 आयन्स, ठीक है। एस रस्ट रिमूवल, कहीं पे अगर रस्ट आ गई तो रस्ट को रिमूव करने के लिए आयरन रॉड्स वगैरह से तो स्टेबल सॉल्ट बनता है, तो रस्ट रिमूवल एजेंट्स की तरह भी आपका ऑक्सैलिक एसिड वर्क करता है। नेक्स्ट यूज में आइए, यूज एज इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स इन लेंथिनाइट केमिस्ट्री के अंदर, जो पर्ट बनते हैं डिफरेंट टाइप के, उसके अंदर इसको यूज किया जाता है। यूज्ड इन मेटल एक्सट्रैक्ट, मेटल एक्सट्रैक्शन में भी जो प्योर फॉर्म में मेटल आपको एक्सट्रैक्ट प्रेसिपिटेट करके अलग फॉर्म में लेनी हो, तो मेटल एक्सट्रैक्शन मेटल इंडस्ट्री के अंदर भी इसका बहुत यूज है, ये ऑक्सैलिक एसिड। यूज्ड इन माइनर प्रोसेसिंग, ठीक है, मिनरल प्रोसेसिंग ऑफ मैकेनिज्म, तो मिनरल प्रोसेसिंग जहां पे भी होती है वहां पे भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यूज्ड एज प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, कहीं पे भी किसी सब्सटेंस में अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म के उसको सेपरेट करके फिल्टर करना हो तो एज ए प्रेसिपिटेटिंग एजेंट भी आपका ऑक्सिलेट क्रिस्टल्स बन जाते हैं, ऑक्सिलेट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, तो ऑक्सिलिक एसिड उसमें यूज होता है। यूज एज रिएक्टेंट, किसी भी सिंथेसिस इंडस्ट्री के अंदर एज ए रिएक्टेंट प्रीकर्सर की तरह यूज किया जाता है, जैसे बहुत सारी मेडिसिन में भी ये स्टार्टिंग सब्सटेंस होता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के अंदर, तो यूज एज रिएक्टेंट इन सिंथेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मेडिसिनल सब्सटेंस होगा। और नेक्स्ट यूज एज पिकलिंग एजेंट्स इन लेदर, लेदर इंडस्ट्री में भी इसका पिकलिंग एजेंट्स की फॉर्म में बहुत यूज है। एंड यूज एज प्रोटेक्टिव एजेंट, प्रोटेक्टिव एजेंट्स में भी होगा। और एक इसमें और लिख सकते हैं आप, जैसे एनालिटिकल केमिस्ट्री में आप मोस्टली एनालिसिस के अंदर एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड भी इसको यूज करते हैं, तो इसको यूज एज एनालिटिकल रिएजेंट, यूज एज एनालिटिकल रिएजेंट, एनालिटिकल रिएजेंट्स जिसमें ये प्राइमरी स्टैंडर्ड डाइहाइड्रेट फॉर्म में अगर होती है तो यह आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन का वर्क करता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, प्राइमरी। और इससे आपकी बहुत सारी एक्वस टाइट्रेशन जो होती है स्पेशली उसको परफॉर्म करने में ऑक्सैलिक एसिड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो बच्चों ये थे ऑक्सैलिक एसिड्स के यूजेस। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंपाउंड लिखिए सैलिसिलिक एसिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड सैलिसिलिक एसिड। स्ट्रक्चर फिनॉल याद रखिए, बेंजीन बेंजीन पे OH, ठीक है, अगर यहाँ CHO होता तो उसको अपन सैलिसाइल एल्डिहाइड बोलते हैं और COH ग्रुप होता तो उसको सैलिसाइलिक एसिड। अब इसमें ऑर्थो पैरा मेटा, तो यहाँ पे मोस्टली इसका जो मेन है वो ऑर्थो वाला, क्योंकि ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, तो इसीलिए इसका ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी जो ऑर्थो फॉर्म जो होगी सैलिसाइलिक एसिड की वो इंपॉर्टेंट होगी। IUPAC की बात करेंगे तो IUPAC के अंदर बेंजोइक एसिड आपका मेन बेसिक कंपाउंड हो जाएगा, नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2-hydroxybenzoic acid फॉर्म आ जाएगी, ठीक है, ये इसका IUPAC नेम हो गया। नाउ कम्स टू यूजेस, यूजेस में यूज्ड एज मेडिकेशन टू रिमूव आउटर लेयर ऑफ स्किन, मेडिकेशन करना तो उसके अंदर आउटर लेयर की स्किन को रिमूव करना हो तो इसको सैलिसिलिक एसिड को यूज करते हैं। यूज टू ट्रीट को बहुत सारे ट्रीटमेंट में यूज होता है, वॉट्स, ठीक है, पेसरासिस, डेंड्रफ, एक्नी, रिंगवॉर्म, इचेस, इतने सारे यूजेस है जिसमें इसको एज ए इंग्रेडिएंट यूज किया जाता है। नेक्स्ट एज एन इंग्रेडिएंट इन स्किन प्रोडक्ट, जितने भी स्किन प्रोडक्ट्स आते हैं क्योंकि इसकी मोस्टली एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है, इसीलिए स्किन प्रोडक्ट के अंदर भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट
यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल मेडिसिन और प्रोडक्ट जो होते हैं उसमें इसका इंपॉर्टेंट रोल है, और इसमें सबसे फेमस है एस्पिरिन जो मार्केट में डिस्प्रिन के नाम से आती है। तो एस्पिरिन जो बनता है वो आप देखेंगे तो अपने पास सैलिसिलिक एसिड ये होता है, और उसका अपन क्या करते हैं एसिटाइलेशन एट फिनॉल पोजीशन CH3COCl की प्रेजेंस में, तो ये आपका एसिटोऑक्सीसैलिसिलिक एसिड जो होता है उसको अपन एस्प्रिन बोलते हैं, तो एज एस्प्रिन हो गया। और इसी का एक मिथाइल सैलिसिलेट जो बनता है इसका भी बहुत अच्छा मेडिसिनल यूजेस है। नेक्स्ट यूजेस स्टूडेंट्स, यूज्ड इन लिनिमेंट्स में भी इसको यूज किया जाता है, मसल्स पेन मेडिसिन जो आती है उसमें भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। यूज्ड इन माउथ अल्सर में भी, तो माउथ प्रोडक्ट जितने भी आते हैं उसमें ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर इन माउथ जो होते हैं उसमें भी आपका ये सैलिसिलिक एसिड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एज ए फूड प्रिजर्वेटिव, फूड को डिकम्पोज होने से रोकता है, फूड प्रिजर्वेटिव। बैक्टीरियोसाइडल प्रॉपर्टी भी होती है इसकी, ठीक है, जैसे एंटीबायोटिक की तरह इसमें भी बैक्टीरियोसाइडल प्रॉपर्टी होती है। एंटीसेप्टिक तो वेरी इंपॉर्टेंट है, मेन यूज है सैलिसिलिक, इसीलिए बहुत सारी मेडिसिन में एज ए इंग्रेडिएंट यूज किया जाता है। सिंथेसिस ऑफ बिस्मथ सैलिसिलेट एक मेटल के साथ में जो सॉल्ट फॉर्मेशन है इसको स्टोमक पेन रिलीफ के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस सॉल्ट फॉर्मेशन के साथ में, इसीलिए सिंथेसिस ऑफ बिस्मथ सैलिसिलेट भी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। इंग्रेडिएंट इन एंटी इंफ्लामेटरी मेडिसिन के अंदर, जहां भी एंटी इंफ्लामेटरी मेडिसिन है उसमें भी एज ए इंग्रेडिएंट जो है वो आपका सैलिसिलिक एसिड को यूज किया जाता है। एक्ट एज ए एंटासिड, ऑफकोर्स एंटासिड की तरह यूज करेगा ही, सॉल्ट फॉर्म जो होगी, एंड माइल्ड एंटीबायोटिक का वर्क भी करता है ये, माइल्ड एंटीबायोटिक का वर्क भी करेगा। और फिनाइल सैलिसिलेट सॉल्ट जो होता है वो आपका एंटीसेप्टिक का वर्क करता है, तो पहले सैलिसिलिक एसिड को फिनाइल सैलिसिलेट में कन्वर्ट कर देंगे और फिर उसको एज ए एंटीसेप्टिक यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये सारे यूजेस आपके सैलिसिलिक एसिड से, नोट कर लीजिए। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंपाउंड है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा, बेंजीन और बेंजीन के ऊपर COH, फॉर्मल IUPAC में इसको कार्बन जो COH ग्रुप एक्सक्लूड है तो इसको अपन बेंजीन कार्बो ऑक्सैलिक एसिड भी बोल सकते हैं, बेंजीन कार्बो ऑक्सैलिक एसिड भी बोल सकते हैं। यूजेज में आ जाएगा, यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल, फिनॉल में इसका डीकार्बोक्सीलेशन करके या जो इनडायरेक्टली अपन जो रिडक्शन करके जो है वो फिनॉल का एक प्रीकर्सर की तरह काम करेगा, और बेंजीन भी बना सकते हैं बाय डीकार्बोक्सीलेशन करके, ठीक है। इनडायरेक्टली यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ नाइलॉन में भी इसको यूज करते हैं बच्चों, नाइलॉन में, और एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ व्हाइट फील्ड ऑइंटमेंट में इसका बहुत अच्छा यूज है, जो ट्रीटमेंट ऑफ फंगल स्किन इन्फेक्शन में यूज होता है जैसे रिंग वॉर्म, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए व्हाइट फील्ड ऑइंटमेंट एंड इट इज यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ फंगल स्किन इन्फेक्शन, जैसे रिंग वॉर्म के अंदर इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट यूज है मेन इंग्रेडिएंट्स इन टिंचर ऑफ बेंजोइन, ये वेरी इंपॉर्टेंट, टिंचर ऑफ बेंजोइन के अंदर इसको यूज किया जाता है, तो मेन इंग्रेडिएंट इन टिंचर ऑफ बेंजोइन हो जाएगा। नेक्स्ट यूज एज एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक में भी इसको यूज किया जा सकता है और होता ही इसमें, तो यूज इन फूड इंडस्ट्री में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो फूड इंडस्ट्री में लिखिए। नेक्स्ट एज ए प्रिजर्वेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट होता है बेंजोइक एसिड, स्पेशली सोडियम बेंजोइट आप देखेंगे बहुत अच्छा फूड प्रिजर्वेटिव होता है, सोडियम बेंजोइट जो मोस्टली सारी फूड के अंदर यूज किया जाता है। यूज इन प्रोडक्ट लाइक सॉस जेलीस जैम्स कैंडी फूड जो होते हैं उनमें भी बेंजोइक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी रखता है और इनको प्रिजर्व रखता है। यूज्ड इन माउथ वॉश, फार्मास्यूटिकल जो प्रिपरेशन होती है माउथ वॉश के अंदर भी एंटीमाइक्रोबियल की तरह वर्क करता है। टूथपेस्ट में भी ये बहुत अच्छा एक्टिव इंग्रेडिएंट है, पाउडर में भी इसको यूज किया जाता है, लिपस्टिक में भी यूज होता है, फेशियल क्लींजर में भी इसको यूज करते हैं, तो कह सकते हैं कि बेंजोइक एसिड का एक बहुत ही वाइड यूज है इनके अंदर, माउथ वॉशेस टूथपेस्ट पाउडर लिपस्टिक एंड फेशियल क्लीनर। उसके बाद यूज टू एसिडिफाइड फूड, यानी कि पीएच चेंजेस अपन को करनी हो ताकि एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज मेंटेन रहे, तो एसिडिफाइड पीएच करने के लिए भी इसको बेंजोइक एसिड को यूज किया जाता है, और एक बहुत ही अच्छा
प्रीकर्सर होता है प्लास्टिसाइजर इंडस्ट्रीज के अंदर, जो पॉलीमर सिंथेसिस में भी यूज होती है. तो इट बेंजोइक एसिड इज यूज एज ए प्रीकर्सर टू प्लास्टिसाइजर. तो ये इंपॉर्टेंट यूजेस है बच्चों इसके, बेंजोइक एसिड्स के. तो स्टूडेंट्स ये आपके सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो कार्बोक्सैलिक एसिड्स उसके यूजेस हमने पढ़े. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर और कंपाउंड्स आप इसमें ऐड करेंगे. थैंक यू.